हेलो दोस्तों, आज हम न्यू क्लास में आ चुके हैं जिसमें हम आपको बताने वाले हैं पावर पॉइंट की डेफिनेशन। पावर पॉइंट क्या होता है? पावर पॉइंट की वीडियो मैंने सारी बना के रखी हैं। जिसको भी क्लास अटेंड करना है प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट की, तो प्लेलिस्ट में जा कर के प्लीज़ धर्मेंद्र 91 के चैनल पर आराम से कोई भी क्लास अटेंड कर सकता है, आपको वन बाई वन क्लास मिल जाएंगी। और आज हम जो वीडियो लेकर के आए हैं उसमें बताया गया है पावर पॉइंट क्या होता है और हिंदी में समझें, ये बहुत ज़रूरी है आपको समझना, क्योंकि जब तक आपको डेफिनेशन नहीं आती तो उसका ज्ञान कैसे आएगा, ये समझ लीजिए। तो इस वीडियो को देखने से पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी कोई भी वीडियो, कोई भी क्लास आपकी मिस नहीं होगी, सबसे पहले आपकी पहुंच जाएगी। अब चलते हैं, सबसे पहले पावर पॉइंट होता क्या ये समझ लीजिए, ठीक है? पावर पॉइंट एमएस मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट, ये शॉर्ट फॉर्म होता है एमएस। एमएस पावर पॉइंट मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जिसका पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट, ये लिखा भी है मैंने, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है? तथा इसे पावर पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, ये दो नाम से भी जाना जाता है। और इसको भी एक क्या बोला जाता है, एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। किस किस नाम से जाना जाता है? एमएस पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, पावर पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। और एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। कैसा प्रोग्राम है? प्रेजेंटेशन, जिसमें हम प्रेजेंट रखते हैं किसी भी डेटा को, जो सूचनाओं को स्लाइड फॉर्मेट में, कुछ मल्टीमीडिया विशेषताएं, जैसे स्लाइड फॉर्मेट मतलब एक के बाद एक आपकी स्लाइड मिलेगी, पेजेस होते हैं उसमें, ठीक है? तो उसको मल्टीमीडिया बोलते हैं, मतलब एक फॉर्मेट सिस्टमेटिक करना, उसको मल्टी काम कराना, उसको हम बोलते हैं मल्टीमीडिया विशेषताएं। जैसे फ़ोटो एवं आवाज़ के साथ ओपन, क्रिएट, एडिट, फॉर्मेटिंग, एनिमेशन, प्रेजेंट, शेयर एंड प्रिंट आदि कार्य कराता है, उसी को हम बोलते हैं पावर पॉइंट। समझ में आया? ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे मिलती हैं, उसी को हम बोलते हैं पावर पॉइंट। तो यहाँ से लेकर के कहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के जो भी हम इसके अंदर कार्य कर रहे हैं वो हमारा क्या कहलाता है? पावर पॉइंट का मेन मुख्य भाग रहता है, ठीक है? तो ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे मैंने क्या कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है, जिससे आपको कोई डाउट ना हो और समझ में आ जाए। तो क्लियर पॉइंट हो गया होगा यहाँ तक, ठीक है? ये मैंने हाईलाइट कर दिया जिससे आपको कोई डाउट ना हो। जैसे फोटो एवं आवाज़ के साथ ओपन, क्रिएट, एडिट, फॉर्मेटिंग, एनिमेशन, ये सारी चीज़ें आपकी किसके काम आती हैं? पावर पॉइंट, इसी को हम बोलते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अब चलते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा और भी समझाया गया है पावर पॉइंट। अब आता है एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट मतलब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये किसने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसके द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा विकसित किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसके द्वारा बनाया गया, उसके द्वारा विकसित किया गया है। एमएस मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है, ठीक है? इसका क्या एक भाग है? किसका भाग है? पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट का। अब जैसे मान के चलो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की हम स्लाइड वगैरह बना रहे हैं, तो उस स्लाइड के अंदर हम जो भी डेटा लिखेंगे उसका एक्सटेंशन क्या होगा? फाइल को सेव करने से एक्सटेंशन क्या बनता है? पावर पॉइंट में। तो फाइल का नाम रहेगा डॉट के साथ में PPTX। PPTX मतलब एक्स्ट्रा वर्जन आ गया आपका, 2 या 7 से अगर ले जाएंगे तो एक्स जुड़ जाएगा, 2 या 7 से नीचे लेके आएंगे 98 तक, 2 या 3 तक, तो उसमें एक्स हट जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अभी जो न्यू प्रेजेंटेशन चल रहा है आपका 2 या 7 से लेकर के प्रेजेंट तक अभी करंट में, तो उसको खोलती है क्या? डॉट PPTX। क्लियर पॉइंट, ये होता है एक्सटेंशन पावर पॉइंट का। तो यहाँ तक तो पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलते हैं, इसमें मैंने अभी यहाँ पे लिखा था कुछ पॉइंट होते हैं, ये लिखा एमएस पावर पॉइंट का एक मुख्य भाग है। तो ये भाग क्या है? मुख्य है, जिसको हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं कि कैसे ये काम करता है। ये लाइन थोड़ी सी ऊपर आ जाएगी तो सही लगेगा, ठीक है?
अब मुख्य क्या क्या भाग हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले जो मुख्य भाग है वो है ऑफिस बटन। ऑफिस बटन मीन्स होता है कि यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, किसको, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। ये है ऑफिस बटन, ये पावर पॉइंट है, ये है ऑफिस बटन, जिसके अंदर आपका न्यू, ओपन, सेव, सेव एस, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिशर, क्लोज, ये सारी चीज़ें आपकी मिलती हैं किसके अंदर, ऑफिस बटन। ये अपना क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एनिमेशन, ये प्रेजेंटेशन आपका ओपन है। इस तरीके से आपका भाग रहेगा, जिसके अंदर ये आपका ऊपर दिख रहा है, ये आपका मेनू बार है, ये ऊपर आपका टाइटल बार दिख रहा है यहाँ पे, ये ऊपर वाला प्रिंट में, और ये होम इनसाइड ये मेनू बार होता है, और ये इसके सब मेनूस होते हैं जिसको बोलते हैं रिबन वगैरह, तो यही रहता है। और ये इसकी स्लाइड है यहाँ पे, इसको बोलते हैं स्लाइड, ये 1 2 3 करके स्लाइड आ रही है। कंट्रोल प्लस एम के साथ में जब प्रेस करेंगे तो हमें न्यू और भी प्रेजेंटेशन चाहिए तो यहाँ पे जुड़ते चले जाएंगे पेजेस। उसको हम पेजेस को जोड़ने के लिए क्या यूज करते हैं, CTRL+M। ये क्या होता है, कंट्रोल के साथ में प्लस एम को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अपने जो पेजेस होते हैं वो आपके एक एक नए नए पेजेस आते जाएंगे, स्लाइड को नए नए लेने के लिए रहता है कंट्रोल एम। ठीक है, तो यहाँ तक तो पॉइंट क्लियर हो गया हो। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, ऑफिस बटन क्या होता है समझ लीजिए। ऑफिस बटन एमएस पावर पॉइंट, एमएस मतलब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का एक मुख्य भाग है। यह बटन मेनू बार में होता है, अभी अपन ने देखा था मेनू बार में रहता है ऊपर ही। ठीक है, इस बटन में एमएस पावर पॉइंट में आने वाली फाइल या स्लाइड के लिए विकल्प होते हैं। ठीक है, तो विकल्प कौन कौन से होते हैं मैंने अभी आपको बता दिया है यहाँ पे। जो विकल्प होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, न्यू होता है, ओपन होता है, सेव होता है, सेव एस होता है, प्रिंट होता है, प्रिपेयर होता है, सेंड, पब्लिशर, क्लोज, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं आपकी, ऑफिस बटन के अंदर। ठीक है, पॉइंट क्लियर। अब चलते हैं एक्सेस टूल बार, नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेस टूल बार। ये क्या काम करता है वो देख लीजिए। एक्सेस टूल बार क्या होता है, जैसे यहाँ पे बहुत सारे टूल्स रखे हैं, ये ऊपर आपके प्रिंट में दिख रहे हैं, जैसे हम एक्सेस करते जाएंगे वो टूल्स यहाँ पे अपना आता जाएगा, तो उसी को बोलते हैं एक्सेस टूल बार जो हम काम कर रहे हैं। तो क्विक बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार एमएस पावर पॉइंट मतलब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का एक विशेष भाग है। यह टूल बार टाइटल बार में होता है, कहाँ पर होता है, एक टूल बार होता है ये टाइटल बार में होता है, जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसी को बोलते हैं हम टाइटल बार। जैसे ये दिख रहा है आपका टाइटल बार, इसी के ये पार्ट में इधर वाला पार्ट दिख रहा है, इसी को बोलते हैं एक्सेस टूल बार। ठीक है, पॉइंट क्लियर। जो हम इसको क्या भी कह सकते हैं, शॉर्टकट की तरह ही उपयोग कर लेते हैं, क्योंकि जो भी काम कर रहे हैं वो डायरेक्टली हो जाता है। इस टूल के अधिकतर काम आने वाली कमांड्स को ऐड कर दिया जाता है और वे इसमें जुड़ जाती हैं, और क्विक एक्सेस टूल बार की सहायता से एमएस पावर पॉइंट में कार्य थोड़ी स्पीड में हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमारा जो टूल बार रखा हुआ है, जिससे हम क्या करेंगे उस पॉइंट को तुरंत यहाँ से एक्सेस कर लेंगे कोई भी डेटा के अंदर वाला काम, तो वो क्या होगा उस समय प्रेजेंटेशन आराम से हम एक्सेस कर सकते हैं, जिससे क्या है वो कार्य स्पीड में हो जाएगा। यही मैंने यहाँ पे एक्सेस टूल बार के अंदर वो पॉइंट मैंने लिखा है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। अब आता है टाइटल बार। टाइटल बार मीन्स क्या होता है वो देख लीजिए। सबसे पहले टाइटल बार होता है क्या, टाइटल बार एमएस पावर पॉइंट मतलब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विंडो का सबसे ऊपरी भाग होता है, मतलब सबसे फर्स्ट में जो टाइटल होता है वो क्या कहलाता है, ऊपरी भाग कहलाता है। ये ऊपरी भाग है, इसी को हम क्या बोलते हैं, टाइटल बार बोलते हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर। यहाँ पे क्या करते हैं, इस बार पर एमएस पावर पॉइंट में बनाई गई फाइल के नाम को दिखाया जाता है। जब क्या दिखाया जाता है, जो फाइल बनाई जाएगी जिस नाम से दिखाया जाएगा, जब तक फाइल को रक्षित मतलब सेव नहीं किया जा सके, जब तक नहीं दिखाएगा, जब तक प्रेजेंटेशन दिखाएगा, जैसा अभी यहाँ पे प्रेजेंटेशन बंद दिखा रहा है, ये दिखा रहा है। अब मैं इस फाइल को जाके यहाँ पे सेव एस कर दूँ, सेव एस में या सेव में कर दूँ, और जिस नाम से मैं सेव करूँ, जैसे DHAR, तो ये हमारी किसके फाइल के नाम से हो जाएगी, प्रेजेंटेशन DHAR के। तो यहाँ पे आपको टाइटल बार में क्या दिखने लगा, नाम दिखने लगा, ये नाम आ रहा है DHAR। तो यही मैंने लिखा है इसमें, जब तक फाइल को सेव नहीं किया जाएगा तब तक फाइल का नाम नहीं दिखाएगा, हुआ है प्रेजेंटेशन लिखना है, तब तक क्या दिखाई देगा, प्रेजेंटेशन वन दिखाई देगा। अभी मैंने जब बताया था, जब फाइल नहीं सेव थी तब क्या दिखा रहा, प्रेजेंटेशन वन। जैसे हम किसी भी फाइल को नाम दिया जाता है तब हम प्रेजेंटेशन वन के स्थान पर
नाम लिख सकते हैं। तो अभी मैंने बन के स्थान पर क्या नाम रखा, टी एच ए आर। बाकी डायरेक्टली हम कोई भी पॉइंट ओपन करेंगे यहाँ से न्यू से, तो क्या दिखाएगा, प्रेजेंटेशन वन टू जैसे भी हम खोलते जा रहे हैं उसके अनुसार हमारा प्रेजेंटेशन शो कर रहा है। ओके, पॉइंट क्लियर हो चुका है यहाँ तक। अब चलते हैं इसी के अंदर, टाइटल बार के दाएं कोने में तीन बटन होते हैं, इन तीन बटन में से पहले मिनिमाइज होता है जिस क्लिक के लिए ओपन प्रोग्राम को टास्क बार पर आ जाता है, दूसरा बटन मैक्सिमाइज होता है रिस्टोर डाउन के लिए विंडो को विथ के कम से कम और जाना का कार्य कराता है, तीसरा बटन होता है क्लोज बटन जो प्रोग्राम को ख़त्म कर देता है। ये प्रोग्राम कहाँ पे देख लीजिए, ये सारे बटन कहाँ पे है, ये वाले प्रोग्राम के लिए, ठीक है, ये प्रोग्राम के लिए क्लोज हो जाएगा, रिस्टोर कराएगा, ये मैक्सिमाइज और मिनिमाइज आपका डेटा कहाँ रखेगा, टास्क बार पे, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो चुका है, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट है रिबन। रिबन मतलब होता है एमएस पावर पॉइंट विंडो का एक भाग है, यह मेनू बार से नीचे होता है। इस पार्ट में एमएस पावर पॉइंट विंडो के लाल रंग का हिस्सा रिबन है। क्या है, जो लाल रंग का हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाले पार्ट होते हैं, जैसे यहाँ पे ये रिबन वाले पार्ट दिख रहे होंगे आपको, ये खाली बॉक्स दिख रहे हैं उसी को हम बोलते हैं, ये खाली यहाँ पर रेड बटन दिख रहे हैं उसी को हम बोलते हैं रिबन वाला पार्ट। पॉइंट क्लियर, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा रिबन वाला पार्ट, ठीक है। ये भाग में एमएस पावर पॉइंट टेबल के जो विकल्प मेनू बार में होते हैं विकल्प दिखाई देते हैं, तो मेनू बार में जो जो विकल्प होते हैं उसी को हम बोलते हैं पावर पॉइंट के क्या, रिबन। ये दिखाई दे रहे हैं, ये आपका मेनू बार के अंदर है तो वही हमारे क्या कहलाते हैं, रिबन कहलाते हैं। सॉरी, समझ में आ गया। अब आता है मेनू बार। मेनू बार क्या होता है वो देख लीजिए, मेनू बार ये होता है, जैसे ये मेनूज दिए होम डिजाइन ये सब दिए, इसको ही हम क्या बोलते हैं, मेनू बार बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है मेनू बार पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में टाइटल बार के नीचे होता है। जस्ट कहाँ होता है, टाइटल बार के नीचे होता है। टैब बार भी बोला जा सकता है इसको, क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है टैब बार, क्योंकि इन्हें अब टैप ही बोला जाता है, क्योंकि कई विकल्प और प्रत्येक की रिबन की होते हैं, तो उसमें क्या है, नीचे आपके वन बाई वन होता है इसलिए टैप बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं हम, ये दिख रहा है इसके नीचे ये क्या है, टाइटल बार दिख रहा है, और इसके ये आपका मेनू बार है, मेनू बार के अंदर ये आपका रिबन दिख रहा है, तो इसी को बोलते हैं हम क्या, मेनू बार। अब चलते हैं स्टैंडर्ड बार। स्टैंडर्ड बार मीन्स क्या होता है देख लीजिए, स्टैंडर्ड बार एमएस वर्ड पावर पॉइंट में टेक्स्ट एरिया जो कि बिल्कुल नीचे होता है, इस बार में जूम लेवल नाम टूल होता है जिसकी सहायता से पावर पॉइंट स्लाइड में जूम तथा जूम आउट किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत से टूल बार होते हैं जिसे हम लैंग्वेज थीम्स स्लाइड आदि का काम करा सकते हैं। ये किसके अंदर आता है, ये आता है हमारा स्टेटस बार के अंदर। यहाँ पे देख लीजिए प्रेजेंटेशन, जैसे मैं ऊपर सरका देता हूँ तो यहाँ पे आपको स्टेटस बार नीचे दिखाई दे रहा होगा, इसी को बोलते हैं स्टेटस बार। ये स्टेटस बार दिख रहा है, इसके ऊपर ये एरिया दिख रहा है उसी को बोलते हैं एरिया, टेस्ट एरिया बोला जाता है। ये वाला पार्ट ये दिख रहा है, यहाँ पे लिखा है क्लिक टू ऐड नोट्स, और ये नीचे वाला दिख रहा है प्लस माइनस लगा है, यहाँ पे 38% दिखा रहा है, ये होता है अपना क्या, टास्क बार। ओके, पॉइंट क्लियर हो चुका है, इसी को बोलते हैं, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, टेस्ट एरिया। तो स्टेटस बार समझ में आ गया, स्टेटस बार कौन सा होता है आपको समझ में आ गया, ये स्टेटस होता है नीचे वाला जिसमें टास्क बार के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये स्टेटस बार कहलाता है। पॉइंट क्लियर, समझ में आ गया, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। जैसे ये माइनस किया देखो, जूम आउट हो गया, और जूम इन करेंगे तो अंदर की ओर चलेगा, ठीक है। पॉइंट क्लियर, जितना भी आपको जूम आउट करना है जूम इन करना है वो यहाँ से कर सकते हैं। अब आता है टेस्ट एरिया। टेस्ट एरिया अभी मैंने दिखाया था वही आपका एरिया कहलाता है, टेस्ट एरिया। तो यहाँ पे जो टेस्ट एरिया लिखा है समझ लीजिए कैसे काम कर रहा है। टेस्ट एरिया एमएस पावर पॉइंट का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह एमएस पावर पॉइंट विंडो का सबसे बड़ा तथा मध्य भाग होता है। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड कहते हैं इसे। इस क्षेत्र में प्रेजेंटेशन टेस्ट को लिखा जा सकता है। जो टेस्ट है वो प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट का जो मेन भाग होता है उसको बोलते हैं।
जैसे ये स्लाइड दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये दो स्लाइड आपको दिख रही हैं, उसी को बोलते हैं मेन टेस्ट एरिया। और जो अभी मैंने इससे पहले स्टेटस बार के अंदर जो टेटल एरिया दिखाया था वो ये वाला था, ये नीचे आपका जूम दिखा रहा था। और ये होता है टेस्ट एरिया, जो मेन एरिया होता है जहाँ पे प्रेजेंटेशन को बनाया जाता है, वो कौन सा कहलाता है, ये वाला स्लाइड के अंदर बोलते हैं। पॉइंट समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की डेफिनेशन क्या होती है, मैंने आपको पूरा बता दिया। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सारी वीडियो को वॉच करते रहें, देखते रहें, तभी आपको सारे पॉइंट क्लियर समझ में आ जाएंगे। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगी और कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। और सारी वीडियो आपको एक एक करके प्लेलिस्ट में जा करके आप वॉच करेंगे, समझ में आएगा। आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं आ रहेगा, ठीक है। इसका व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप नंबर भी ले सकते हैं, कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।